बारिश के मौसम में किताबें पढ़ने का मजा ही कुछ और है, और ये तुम नहीं समझोगे ना रीडर्स बाबू। वीडियो बना रही हूँ, लॉन्ग वाली वीडियो। प्लीज बोर मत होना। हे एवरीवन, दिस इज मोनाश्री, वेलकम बैक टू माय बुक ट्यूब चैनल। मई मंथ की सेकेंड वीक पर मुझे ये पांचों किताब डिलीवर हुआ था, और ये किताब है दिव्य प्रकाश दुबे की पांचों किताब, जिसका नाम है अक्टूबर जंक्शन, मुसाफिर कैफे, सौते लागू, मसाला चाय, इब्ने बतूती, ये पांचों किताब। तो आज हम बात करेंगे इस पांचों किताब के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरे पांच किताब को कवर करने वाले हैं। तो ये पांचों किताब की पब्लिकेशन एक है, हिंदी युग पब्लिकेशन। तो दिव्य प्रकाश दुबे की ये पांचों किताब काफी लोगों को बहुत पसंद आई है, तो फिर आज की वीडियो में मैं इस सारी किताब की ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी इन पांचों किताबों से जो किताब मुझे बहुत पसंद आई है, वो है अक्टूबर जंक्शन। तो आप देख सकते हो कि अक्टूबर जंक्शन की कवर पेज जो कि येलो कलर का कवर पेज है, और ये बहुत बढ़िया है। तो अक्टूबर जंक्शन की फर्स्ट एडिशन 2019 में हुई थी, और इस किताब की पेजेस लगभग 150 के पेजेस है। अगर आप इस कहानी को पढ़ोगे ना, इस कहानी को आप जी लोगे। लेखक ने भी इस किताब में मेंशन किए हैं कि अगर आपने इस कहानी को जी नहीं पाया तो एक बुरा सपना बनकर इस किताब को भूल जाना। इस किताब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर आप किसी से प्यार करते हो और किसी से मिलना चाहते हो, तो फिर आप उससे हर दिन नहीं मिलते हो, हर रोज नहीं मिलते हो, और उससे हर रोज बात भी नहीं करते हो, और उसे फोन कॉल्स भी नहीं करते हो, और सिर्फ एक साल में, एक महीने में, और एक ही डेट पर मिलते हो, तो कैसा लगेगा आपको? क्या आप दोनों की वो जो रिलेशनशिप है वो थोड़े ज्यादा दिन टिक पाएगी? अक्टूबर जंक्शन की कहानी उसी विषय पर आधारित है, और इस किताब की जो मेन कैरेक्टर है शुद्धदीप यादव, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और वो अपनी लाइफ में जो भी कुछ चाहता था उसे सब कुछ मिल चुका होता है, और उसे सोशल मीडिया में उसका बहुत सारे फॉलोअर्स है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर के बारे में, जो कि उसका नाम है चित्रा पाठक। वो एक स्ट्रगल लेखिका है, वो अपनी किताब की पब्लिकेशन के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, और वो घोस्ट राइटिंग भी करता है, वो सीरियल्स भी लिखता है। चित्रा और सुदीप साल में एक बार, एक महीने में, और एक ही तारीख को मिलते हैं, जैसे कि उनकी कहानी अक्टूबर में ही शुरू हुई थी। तो चित्रा और सुदीप पहली बार बनारस के 80 घाट पे अक्टूबर 10 तारीख को मिलते थे, और उनकी कहानी वहीं से शुरू हुई थी। तो चित्रा जब सुदीप से पहली बार मिला था, चित्रा को विश्वास नहीं हुआ था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन उससे कैसे बात कर सकता है, और उन दोनों के बीच में वहीं उसके बाद बातचीत शुरू हुई थी। और चित्रा सुदीप को एक किताब गिफ्ट करता है, और उस किताब में वो लिखता है कि 10 अक्टूबर। तो उसके बाद जब वो 10 अक्टूबर को सुदीप से मिलता है, और वो फिर से सुदीप के लिए किताब खरीदता है, और उस किताब में भी लिखता है कि 10 अक्टूबर। और इसी बीच में चित्रा छोटी छोटी आर्टिकल्स लिखता है, और इसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो जाता है, और वो बहुत बड़ी बड़ी इवेंट भी अटेंड करता है। उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाता है, पर उन दोनों की जो खूबसूरत रिश्ता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। वो तो कहानी की शुरुआत में लेखक ने एक किरदार को पाठकों से परिचय करवाते है, उनका नाम है सुरभि। अगर आप इस किताब को पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि एक्चुअली सुरभि है कौन। तो सुरभि इस कहानी का एक सस्पेंस किरदार है, जो कि आप इस किताब को पढ़कर ही आप जान पाओगे। अगर अक्टूबर जंक्शन के बाद मुझे इब्ने बतूती बहुत पसंद आई थी। इब्ने बतूती के बारे में मैंने ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो बना चुकी हूँ, और इसके लेखक ने इस किताब में मेंशन किया है कि इब्ने बतूती का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप इस किताब को पढ़ते हो तो आप उसे कोई भी अपने हिसाब से मीनिंग दे सकते हो। तो इब्ने बतूती की कहानी एक माँ और बेटे के रिश्ते को लेकर आधारित है, जो कि तो माँ का नाम सालू है और बेटा का नाम है राघव। राघव अपनी माँ को अम्मा बुलाता है। तो की कहानी जब थोड़ी आगे बढ़ती है तो राघव की एडमिशन यूएसए में हो चुका होता है, और राघव सोचता है कि अगर वो अपनी अम्मा को छोड़कर चला जाएगा तो उसकी अम्मा एकदम से अकेली पड़ जाएगी, और उसके अम्मा की केयर करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं होगा। तो वो सोचता है कि वो अपनी अम्मा के लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहता है, और वो अपनी अम्मा की शादी कराना चाहता है, और वो अपनी अम्मा से इसी विषय में बात करना चाहता है। तो इसी बीच राघव को पता चलता है कि उसकी अम्मा जब कॉलेज में थी तो उसकी अम्मा किसी से प्यार करता था, तो उसे वो इब्ने बतूती के नाम से चिट्ठियां भेजा करता था। तो
तो राघव जब उसकी अम्मा की शादी के बारे में अम्मा से बात करता है तो अम्मा उससे अपनी कलेश लाभ स्टोरी सुनाता है और वो उससे कहता है कि जब वो 20 साल का था वो कैसा था, वो कैसे अपनी लाइफ एंजॉय करता था, वो कैसे थिएटर अटेंड करता था और वो सब की अपनी जो पूरी कलेश लाभ स्टोरी है वो सब अपने बेटे को बता रहा है। तो इस किताब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अपने बतौते के बाद मुझे मुसाफिर कैफे बहुत पसंद आई थी। मुसाफिर कैफे की कवर पेज बहुत अच्छा है और मुसाफिर कैफे पढ़ने के बाद मेरा कुछ अलग अनुभव है कि तो जब मैं मुसाफिर कैफे पढ़ रही थी उस टाइम मानसून तो नहीं आया था पर बारिश आ चुका होता था और बारिश के मौसम में किताबें पढ़ने का मज़ा कुछ और है और ये नॉन रीडर्स बाबू नहीं समझेंगे। लेखक ने इस किताब में मेंशन किया है कि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कहानी होती है, अगर हम उसे नहीं सुनाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो ये किताब 2016 में पब्लिश हुई थी और लेखक ने ये भी कहा है कि इस किताब को लिखने से पहले अक्टूबर जंक्शन की कहानी उनके दिमाग में था और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जो कि इस किताब की जो शुरुआत है वो जो जैसे कि कर्स एक कहानी और बॉस से बेटा शादी कर ले, ये रीडर को एक मन में एक इंटरेस्ट जगा रहेगा और उससे कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपने धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि उनकी जो कैरेक्टर है सुधा और चंदर, तो वैसे मुसाफिर कैफे की जो कि दोनों कैरेक्टर है उनका नाम भी सुधा और चंदर है और लेखक ने ये भी कहा है कि आप गलती से मत समझना कि सुधा गुनाहों के देवता की कहानी का ये दूसरा भाग है, ये बिल्कुल भी नहीं है। उनकी कहानी अलग थी और इनकी कहानी अलग है। कहानी की शुरुआत में सुधा चंदर को ये कहता है कि लोग कॉलेज में मिलते हैं, बस में मिलते हैं, ट्रेन में मिलते हैं और होटल में मिलते हैं और कैफे में मिलते हैं और ना जाने कहां कहां मिलते हैं। तो चंदर कुछ कहना चाह रही थी पर सुधा ने अपनी बातों को कंटिन्यू किया कि मान लो कि अगर हमें किताब की किरदार है पर हमारी कहानी लिखी नहीं गई है। तो चंदर को लगा कि सुधा एक मजाक कर रही है। सुधा एक लॉयर है और वो अपनी लाइफ का एक लिस्ट बनाता है, उसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं। वो अदर कैरेक्टर जो कि चंदर है वो अपनी लाइफ से बहुत नफरत करता है, वो अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना चाहता है और वो एक किताबी प्रेमी है, वो एक मुसाफिर कैफे खोलना चाहता है और उस कैफे की एक कॉर्नर में बहुत सारी किताबें रखना चाहता है। और वो तो चंदर और सुधा दोनों लिव इन में रह रहे हैं और सुधा शादी करना नहीं चाहता है और चंदर घर वाले उससे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो उन दोनों की लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव आ जाता है और चंदर अपनी मुसाफिर कैफे ढूंढने निकलता है और वहाँ पर बहुत सारी किताबें खरीदता है और अनदर साइड सुधा प्रेग्नेंट होते हुए भी चंदर को नहीं रोकता। तो कहानी में और एक नए कैरेक्टर की एंट्री होता है जिसका नाम पम्मी है। वो चंदर को काफ़ी कुछ हेल्प करता है कैफे खरीदने के लिए, कुछ साल बीत जाता है और सुधा का एक बेटा होता है जिसका नाम अक्षर है और सुधा के घर में बहुत सारी किताबें हैं जो कि चंदर का किताब है और वो सब अक्षर पढ़ता है। को लेकर उस किताब को लेकर अक्षर के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि वो बाद में चंदर को पूछता है। कायनात ने फिर से चंदर और सुधा को वही मुसाफिर कैफे में मिलाता है और वो कैसे मिले अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस किताब जरूर पढ़ सकते हो। तो उसके बाद जो बाकी दो किताब है उसका नाम है मसाला चाय और सत्ते लागू। मसाला चाय मुझे बहुत पसंद आई है। सिर्फ मसाला चाय भी कहानी संग्रह है और सत्ते लागू भी कहानियों का संग्रह है। छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हो तो आप मसाला चाय और सत्ते लागू दोनों किताब पढ़ सकते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे की कुछ किताबें अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से खरीद कर पढ़ सकते हो। तो फिर आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।